वरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेस बिका बोलिए ठाकुर से आज एक ही बात प्रभु आज जो भी दरबार में आए सब आपका है एक बार जयकार लगाइए बोलिए मरघट वाले बाबा की श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल से आए तमाम प्रेमियों का स्वागत है एक बार दोनों हाथों को उठाकर एक बार श्री भेक भजन का मौका मुझे मिला है एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जय घोष करें बोलिए मरघट वाले बाबा की बोलिए हारे के सहारे की आए एक बहुत अमर भजन इस दरबार का चौथे से भैया और कहें ठाकुर से की बात प्रभु एक प्रेमी बाबा के दरबार हार कर गया और ठाकुर से कहने लगा कि प्रभु जो नहीं मांगे उनको बुला बुला कर देते हो और हम मांगे तो हमको रुला रुला कर देते हो वो प्रेमी क्या शिकायत कर रहा है जो हार कर इस दरबार में आए हैं वो जरूर गाना बाकी आपकी मर्जी है और मिलकर कहें ठाकुर से कहने लगा बाबा जो नहीं मांगे बाबा जो नहीं मांगे उसको बुला बुला कर देते हो जो नहीं मांगे उसको बुला बुला कर देते हम मांगे तो हमको रुला रुला कर देते हो एक बार बोलो हम मांगे तो हमको और फिर वो प्रेमी कहने लगा प्रभु ये कैसी रीत तेरी बाबा ये कैसी प्रीत तेरी बाबा ये कैसी प्रीत तेरी अब कौन कौन आज बाबा से लड़ाई लड़ने आया भैया प्रेम वाली और जो हार कर आए हैं आज ठाकुर से हिसाब चुकाने आए हैं वो दोनों हाथों को उठा लेना बाकी आपकी मर्जी है एक बार दोनों हाथों को सीधे उठाकर और तालियां बजाकर कहना 1 2 3 4 हारे के सहारे की जय जय जो नहीं मांगे उसको बुला बुला कर देते हो जो नहीं मांगे उसको बुला बुला कर देते हो हम मांगे तो हमको रुला रुला कर देते हो ये कैसी रीत तेरी बाबा 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 देखो बाबा का प्रेमी हार कर इसके दरबार आया आज कितने प्रेमी हार कर ठाकुर के दरबार आए हैं जो हार कर आए हैं वो तालियां बजाना क्योंकि ना जाने किस जयकारे से मेरा ठाकुर रिझ जाए और ना जाने किस जयकारे से मेरा ठाकुर दौड़ा दौड़ा आ जाए क्योंकि प्रेमियों जब ये पूरा भरा होगा तब भी एक या दो प्रेमी ऐसे होंगे जो भाव से कीर्तन करेंगे और पूरा रस उसी के अंदर बरसेगा क्योंकि जब कोई मंडल बनता है तो सिर्फ एक या दो प्रेमी दम लगाते हैं जब जाकर बाबा का कीर्तन होता है तो मैं चाहता हूँ जो विश्वास लेकर आए हैं उनकी आज टूट कर ना जाए इस दरबार से ठाकुर ने हर किसी की नैया का पार लगाया है तो आपकी भी नैया पार लगाएंगे आज उठा लेना दोनों हाथों को दोनों हाथों को उठाओ तालियां बजाकर Thank you.
और बाबा वो दिन भी आप भूल गए जब कोई प्रेमी आपको जानता नहीं था, तो हम जैसे प्रेमी एक दूसरे के घर जा जाकर प्रचार करते थे, तो प्रेमी ठाकुर से क्या कहने लगा कि प्रभु क्या भूल गए हो वो दिन बैठे रहते थे अकेले, क्या भूल गए हो वो दिन बैठे रहते थे अकेले, ना तो इतने भगत तेरे ना लगते थे मेले, ना तो इतने भगत तेरे ना लगते थे मेले। और इससे पिछली ग्यारस को ये अश्वनी भैया गौरव भैया सब खाटू गए, तो हमने दर्शन कर लिए थे। जब ये पहुंचे तो बहुत लंबी लाइन लगी थी, इन्होंने बोला कि यार इतनी भीड़ है और दर्शन करेंगे तो 5-6 घंटे में नंबर आएंगे। तो कई प्रेमी, मैंने भी ये बात बोला कि जो बाबा की धरती पर पहुंच जाता है वो दर्शन करे ना करे चलेगा, जो ठाकुर की धरती पे पहुंच गया समझो उसने दर्शन कर लिए, क्योंकि उसकी धरती पर भी इसी की मर्जी से प्रेमी पहुंचता है। क्योंकि आओ एक बार दोनों हाथों को उठाकर वो प्रेमी क्या कहने लगा, बाबा तब आपको कोई नहीं जानता था, उसके बाद भी प्रेमी आकर कहते थे प्रभु, क्या कहने लगे, बजाओ ताली, ताली बजाओ, कहने लगा बाबा से, बाबा मेहनत हमने की है और मजा तुम लेते हो, मेहनत हमने की है और मजा तुम लेते हो, हम मांगे तो हमको रुला, हम मांगे तो हमको, क्योंकि लोगों ने मुझसे जलना शुरू कर दिया, लोगों ने मुझसे जलना शुरू कर दिया और मैंने रोने वाली बात पर भी हंसना शुरू कर दिया, मुझे रुलाने वाले खुद ही रो पड़े क्योंकि मेरे सामने आकर मेरे सर पर हाथ जो रख दिया साहब। किसके सर पर बाबा का हाथ है एक बार हाथ उठाना, जिसका हाथ जिसके सर पर बाबा का हाथ है भैया शर्म मत करना, एक बार उठाओ ना सभी दोनों हाथों को, तालियां बजे प्रेम से, 1 2 3 4 बदल गए हो बाबा कोई कारण तो जरूर है, बदल गए हो कोई कारण, क्योंकि पहले तो इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, पहले आते थे और यूं बाबा जेब में डाल देते हम चले जाते थे, लेकिन आज तो बहुत भीड़ आपके दरबार में होने लगी है। आज आप पहले परीक्षा लेते हो उसके बाद में आप देते हो, आधे से ज्यादा प्रेमी तो परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। तो वो प्रेमी कहने लगा प्रभु हो बदल गए हो बाबा कोई कारण तो जरूर है, बदल गए हो बाबा कोई कारण तो जरूर है, या फिर खाटू वाले तेरा नया कोई दस्तूर है, या फिर खाटू वाले तेरा नया कोई दस्तूर है, देख सामने मुझको आंखें बंद कर लेते हो। प्रभु दुख नहीं होता, लेकिन दुख होता है कब, जब सबको मेरे सामने दिखा के देते हो और मुझे को देख कर क्या करते हो, देख सामने मुझको आंखें बंद कर लेते हो, देख सामने मुझको आंखें बंद कर लेते हो, हम मांगे तो हमको रुला रुला कर देते हो, ये कैसे रीत तेरी बाबा, ये कैसे रीत तेरी बाबा, ये कैसे रीत तेरी बाबा, ये कैसे रीत तेरी, बोलिए हारे के सहारे की।
तालियां बजाते हैं। देखो ये वो दरबार है जहां तकदीर बिगाड़ी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। किसकी इस दरबार में तकदीर बनी है भैया, एक बार हाथ उठाओ ना, किसकी बनी है? और जिसकी बनने की शुरुआत हुई है वो भी हाथों को उठा लेना आज इस दरबार में, क्योंकि क्या कहने लगा वो बाबा का प्रेमी बाबा। तालियां बजाओ ना एक बार जोरदार, बजाओ तालियां। ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे बजानी है। अब उठाओ एक बार दोनों हाथों को सभी, किसी का हाथ नीचे ना हो जो शाम नाम का खाते हैं, किसी का हाथ नीचे ना हो इस दरबार में, उठाना दोनों हाथों को, तालियां बजाओ, बजाओ ताली। वन टू थ्री करते थे। और बाबा दुख और इससे ज्यादा कब होता है? जब औरों को मेरे सामने दिखा के देते हो, जब औरों को मेरे सामने दिखा के, क्योंकि एक माँ एक बच्चे को कुछ भी चीज दे दे और दूसरे को ना दे तो उसे दुख होगी या नहीं? और हम सब कौन है इस बाबा के बच्चे? कौन कौन बच्चा है? एक बात मुझे याद आ गई, इतने सारी माँ हैं, एक बार हाथ नीचे करो क्योंकि समय बड़ा कम है। माँ के लिए तो बात कह रहा हूँ, एक है लहू का रंग जो कभी अलहदा नहीं होता। आप सब बात सुनना, अगर अच्छे लगे तो तालियां बजाना, बाकी आपकी मर्जी है, सब एक बार सुने। एक है लहू का रंग जो कभी अलहदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर सहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती हम बच्चों को माँ, ए दुनिया वालों इस धरती पर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होता, साथ होता कोई पैदा। ये बाबा श्याम अपनी माँ की तो देन है जो आज हम सब इसकी पूजा कर रहे हैं, है? अपनी माँ की तो देन है, तो जो मानते हैं भैया माँ से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं, शाम से बड़ा कोई नहीं, एक बार दोनों हाथों को उठाकर, अगर बात अच्छी लगी है तो हाथों को उठा लेना और आओ झूम कर कह देना, हम मांगे तो हम कर ला रुला कर देते हैं। ये कैसी रीत तेरी बाबा, 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 ये कैसी रीत तेरी बाबा।